कलेक्टर और ट्रक ड्राइवरों के बीच बैठक में हुआ हंगामा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिया बड़ा फैसला। शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को किया बर्खास्त। वीडियो वायरल होने के बाद मच गया था बवाल। क्या बोल रहे हिट एंड रन कानून को लेकर जारी बवाल के बीच मध्य प्रदेश में शाजापुर जिले के कलेक्टर और ट्रक ड्राइवरों के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हो गया है, क्योंकि कलेक्टर किशोर कन्याल के बैठक के दौरान अपना आपा खो दिया और एक ड्राइवर से कहा, क्या करोगे तुम, क्या औकात है तुम्हारी। इस पर ड्राइवर ने कहा कि यही कारण है कि वे इसके लिए लड़ रहे हैं कि उनकी कोई औकात नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार के हिट एंड रन को लेकर नए कानून के विरोध में ड्राइवर हड़ताल पर हैं और मंगलवार को इन्हीं हड़ताली ड्राइवरों से बात करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में बैठक रखी गई थी, जिसमें कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, एसपी यशपाल राजपूत समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा फैसला लेते हुए शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को हटा दिया है। एक दिन पहले कलेक्टर का एक वीडियो वायरल हुआ था, इसमें ट्रक ड्राइवर्स के साथ बैठक के दौरान वो गुस्से में एक ड्राइवर को डपटते हुए कह रहे थे कि तुम्हारी औकात क्या है। ये वीडियो सामने आने के बाद अब राज्य सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें हटा दिया है। शाजापुर कलेक्टर को हटाते हुए सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि मंगलवार को शाजापुर में ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में जिस प्रकार की भाषा बोली गई है, एक अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। खासकर ये सरकार गरीबों की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, हर अधिकारी को सबके काम का सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। मनुष्यता के नाते ये भाषा हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद मजदूर परिवार का बेटा हूँ और इस तरह की बात कतई स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे अधिकारी इस बात का ध्यान रखेंगे और अगर कोई इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है तो उस अधिकारी को मैदान में रहने का अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो अधिकारी आएंगे वो भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेंगे। सीएम यादव ने कहा कि उन्हें इस बात की बहुत पीड़ा हुई है और वो इसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। कलेक्टर किशोर कन्याल ने कहा, बैठक उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से अपने मुद्दे उठाने को कहने के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन उनमें से एक अन्य लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था और आंदोलन तेज करने की धमकी दे रहा था, जिसके कारण मैंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। बता दें कि सोमवार को हंगामा करने के बाद करीब 250 ट्रक और बस मालिकों के साथ मंगलवार को बैठक हुई थी। दरअसल केंद्र सरकार के हिट एंड रन कानून को लेकर विरोध कर रहे ड्राइवरों से बात करने के लिए कलेक्टर कार्यालय में बैठक रखी गई थी, जिसमें कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल समेत कई आला अधिकारी मौजूद थे। बैठक में कलेक्टर किशोर ट्रक ड्राइवरों को समझा रहे थे और उन्हें कानून के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन की बात कह रहे थे। तभी एक ड्राइवर बोल पड़े, अच्छे से बोलिए। इतने में कलेक्टर साहब भड़क उठे और कहा कि गलत क्या है इसमें, क्या करोगे तुम, तुम्हारी औकात क्या है। इसके बाद ड्राइवर ने कहा कि यही तो लड़ाई है कि हमारी कोई औकात नहीं है। इस पर कलेक्टर ने कहा, लड़ाई ऐसे नहीं होती है, कृपया करके कोई भी कानून अपने हाथ में ना लें। इसके कुछ देर तक मीटिंग हॉल में सन्नाटा छा गया। गौरतलब है कि शाजापुर में ट्रक ड्राइवर हड़ताल के दौरान लगातार नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर रहे थे।